देश में जहां एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस और प्रशासन लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर सख्ती बरत रही है। ऐसे में मंदसौर जिले में छुट्टियों पर आए आर्मी के जवान और रिटायर्ड फौजी भी सेवा कार्य में लग गए हैं। फौजी हर मौसम में, हर परिस्थिति में देश के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। कहते हैं कि फौजी के लिए कभी भी हॉलीडे नहीं होता, चाहे वो छुट्टी पर ही क्यों ना हो। और अब यही कहावत तब और सार्थक हो गई जब हमने देखा कि नाहरगढ़ क्षेत्र के छुट्टी पर आए फौजी भाई और उनके साथ रिटायर्ड फौजी पूरी ईमानदारी और जनहित की भावना से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दरअसल मंदसौर जिले के नाहरगढ़ बिल्लौर सड़क मार्ग हनुमान फंटे पर सेवानिवृत्त और छुट्टी पर आए फौजी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर साथ लेकर जरूरी काम से आने जाने वाले सभी राहगीरों को रोककर मास्क वितरण कर रहे हैं। इस दौरान लगभग 500 मास्क वितरित किए गए। सेवा कार्य में लगे जवानों में सेवानिवृत्त फौजी सुधीर शर्मा, शंभुगिरी गोस्वामी, कोमल माली, धर्मेंद्र सोनी और गोविंद धाकड़ है। तो वहीं छुट्टी से आए जवानों में विशाल धाकड़, रवि बैरागी, संतोष धनगर, जितेंद्र सिंह राजपूत, प्रहलाद कुमावत, भेरू धनगर और महेश गहलोत आदि शामिल हैं। हमारे गांव में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हमारे ज़िले में और हमारे देश में बहुत अभी जो हालात है बहुत ही स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हम सारे गांव के फौजी भाइयों ने ये मिलकर तय किया था कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम रखें और उसमें लोगों को जागरूक करें, और उसी के साथ हमने मास्क वितरण और उनको सैनिटाइज किया। हम यही गुजारिश करते हैं लोगों से कि अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत।